गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े ट्रांसलेशन के, उन्हीं रूल्स को और आगे बढ़ाते हुए हम आज अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। आप लोग इन वीडियो को देखिए और इन वीडियो में आप लोगों को विशेष ट्रांसलेशन मिल रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और जितने भी सेंटेंस, जितने वर्ड आपको मिले, इनको अपने सेंटेंस में यूज किया करिए, जिससे ये वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे और सेंटेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी आने लगेगा। आज हम बात करते हैं यूज ऑफ व्हाई। यूज ऑफ व्हाई, व्हाई, और इसका अर्थ होता है करते करते या करते समय। करते करते या करते समय इसका प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर बनता है व्हाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस। ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, जैसा आप चाहें, और अपने शब्दों में इनको प्रयोग किया करिए। जैसे हंसते 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 वह रोने लगा, तो ये हो जाएगा वाइल, वाइल लाफिंग ही स्टार्टेड क्राइंग। ये जान लीजिए कि वाइल के बाद जीरंड आता है, अर्थात वर्ब में आईएनजी होता है, तो ये होगा हंसते हंसते वह रोने लगा। अब वाइल लाफिंग, ये तो वाइल वाला है, इसके बाद वर्ब आईएनजी है, सेंटेंस किसी भी टेंस का होगा। ये था पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट आ गया, ठीक है। या एक और देख लेते हैं, वह पढ़ाते समय चिल्ला रहा है, वह पढ़ाते समय चिल्ला रहा है, ये हो जाएगा व्हाइल टीचिंग ही इज शाउटिंग। व्हाइल टीचिंग ही शाउटिंग, तो ये दो सेंटेंस मैंने दिए। आप लोग अपने से ऐसे ही सेंटेंस 4 से 10 सेंटेंस डेली किया करिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और ये वर्ड और इनका स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। नोट कर लें, और यहां बाई का प्रयोग जो होगा, इसका होगा प्रयोग ऐसा करके, ऐसा करके, इसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी स्ट्रक्चर देख ले तो बाई प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस, इसके बाद भी तुरंत जीरंड रखा जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। अब एग्जांपल देख ले, तुमने उससे बात करके अच्छा काम किया, ये किया। आप सेंटेंस देखिए कि किस टेंस का है, ये हो जाएगा बाय टॉकिंग विथ हिम यू डिड गुड जॉब। अगर यह होता काम किया है तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता, ये हो गया तुमने ऐसा उससे बात करके अच्छा किया। एक एग्जांपल और देख ले, उसे याद करके करके मुझे
हिचकी आ गई। तो यह हो जाएगा बाय रिमेंबरिंग हिम हिम आई है हिकअप, तुझे याद करके मुझे हिचकी आ गई। ये सेंटेंस नोट कर ले और आप 5-4 सेंटेंसेस हर वर्ड में अपने से करके प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस आपके माइंड में बैठ जाए। नोट डाउन प्लीज। तो इसका तो आप जानते हैं अर्थ बिना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है विदाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस। एक चीज आप लोग कॉमन देखें, ये जो वर्ड मैंने चर्चा की, वाई की चर्चा की, बाय की चर्चा की, विदाउट की चर्चा कर रहा हूं, इनमें एक चीज कॉमन है कि दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय जीरन, इनके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। क्लियर। अब यहां देख ले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिना कठिन परिश्रम के तुम पास नहीं हो सकते। बिना कठिन परिश्रम के तुम पास नहीं हो सकते, तो विदाउट वर्किंग हार्ड, आप यहां पर डूइंग हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। क्लियर। वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट पास। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बिना उसे बताए तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हें नहीं जाना चाहिए कर लीजिए। ये हो जाए विदाउट टेलिंग हिम यू शुड नॉट गो। आज हमने ये तीन शब्द की चर्चा की। पहले हमने वाइल की चर्चा की, फिर हमने बाय की चर्चा की, इसके बाद हमने विदाउट की चर्चा की। इसके पहले मैं कई शब्दों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। थोड़ा मैं रेगुलर हूँ, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ दिक्कत है जिस वजह से मैं कंटिन्यू डेली क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू रेगुलर वीडियोज। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नियमित वीडियो दूँ। अब ये आप लोग नोट कर लें। अब जो चीज़ें मैंने हम लोग पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये ट्रांसलेशन है, एक ट्रांसलेशन है दूसरों की मदद करने में उसकी नानी मर जाती है। ये सारे रूल्स मेरे वीडियोज में हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आप लोग टेंस के वीडियो में देखिए, टेंस के वीडियो में इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरा देख लीजिए, उसकी मदद करो बहुत सारा झूठ बोलने में।
अब एक सेंटेंस और ले लो और ये टेंस से रिलेटेड है, इसे आप लोग देखिएगा। मैं मैदान में एक सफेद गाय देख रहा हूं। ये सेंटेंस आप लोग इनका ट्रांसलेशन करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। शेयर करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये ट्रांसलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।